हिरण्यकश्यप बोला कि अरे बहन, मैंने कितने उपाय किए लेकिन ये दुराचारी मारा नहीं जा रहा है। बुआ कहने लगी प्रहलाद की अपने भैया से कि भैया ये तो छोटा सा काम है प्रहलाद को मारने का, प्रहलाद को तो हम मार देंगे लेकिन फिर मुझे क्या मिलेगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन जो तुम मांगोगी मैं वही दे दूंगा अगर प्रहलाद मारा गया। समझ लीजिए ऐसी तो बुआ होती है, है? आज के समय में देखी आपने भैया लोगों को खूब ढंग से पता होगी, इनकी बहने जब आती रक्षाबंधन को तो सही बताओ भैया लोगों ईमानदारी की बात, ओ भैया जब रक्षाबंधन होती है तो जब बहने आती है तो जो सेंडू लाती है वो किन के लिए लाए वो चाहिए, भैया के लिए। रक्षाबंधन को राखी बांधन आती है और जब सेंडू चट्टी लाती तो किन के लिए लाती है, लाए वो किन के लिए चाहिए, भैया के लिए। और सही बताओ लाती किन के लिए, भैया के। यहाँ पे जो सबसे छोटो भतीजो है वो सबसे छोटो वालो ताके ले लाएंगी 25 रुपया को सेंडू आए जे 40 रुपया की चीनी आए जे 25 रुपया की नहीं 10 ही रुपया की चट्टी आए जे पूरो हिसाब किताब 100 रुपया में कंप्लीट। अब बड़ी बड़े भैया के ले लेंगे तो 100 रुपया को सेंडू ही आएगा, 80-90 रुपया को कच्छा आएगा तो उनके तो 250 रुपया चले गए। बोले इनके लिए नहीं ले जाए सबसे छोटे वाले भतीजे के लिए लेके जाए, सो 100 रुपया में पूरा कंप्लीट है जात बाजार। 100 रुपया में कंप्लीट हो गया, शाम को राखी बांधी। अब राखी बांधने के बाद भैया ने कही बहन बताओ का दे तुम्हें। बोले भैया ऐसा कर भैया हमारे द्वारे पे भैंस आए हैं, तह जीजान थोड़े समय पहले बेच दई और अब बच्चा बड़े परेशान है, ऐसो कर त्याय द्वारे पे दो भैंसे हैं एक भैंस हमें दे दे। हिसाब किताब कितने का लेके आई थी, 100 रुपया। भैंस कितने की मांग रही, 50,000 की। कितनी बेईमान है, खुद लाते समय कबूना सोचेंगे कि भैया के ले ले चले, तब तो भतीजे के ले लेके। और जब अपन लेवे पे नंबर आ तब जा कहती मैं भैंस दे दियो, भैयो बहुत चालाक है। भैया का कह देते हैं बेन अबे नहीं ऐसा करो, अबे अबे एक ही भैंस दूध देते जब आली जब दूध छुटाए जाए तब तुम्हें हम दे दियो, तोले बात पुरानी। भैया का कम चालाक थोड़े ही है,